नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरी। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। शरीर पर टैटू बनवाना हमेशा से कूल और फैशनेबल माना जाता है। छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्रियां किसी भी बात में बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से पीछे नहीं है। आज हम आपको टीवी इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें टैटू बनवाने का बेहद शौक है। आज हम एक ऐसी ही 7 अभिनेत्रियों के स्टाइलिश टैटू दिखाने जा रहे हैं। आप इनके टैटू को देखने के बाद फिदा हो जाएंगे। टीवी सीरियल उत्तरन की फेमस एक्ट्रेस और वीडियो एल्बम में नजर आने वाली रशीम देसाई ने अपने बाएं पैर पर कमल के फूल का टैटू बनवा रखा है। कॉमेडी शो FIR में चंद्रमुखी चौटाला का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कविता कौशिक ने अपनी पीठ पर शिवजी का टैटू बनवा रखा है, जबकि अपनी कमर पर भगवान श्री कृष्ण का टैटू बनवाया हुआ है। टीवी शो बेपनाह में जोया का किरदार निभाने वाली टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट हमेशा से अपनी लुक, अदाकारी और अफेयर को लेकर चर्चा में रही, साथ ही उनका टैटू भी उतनी ही चर्चा में रहा है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने किसी प्रेमी के लिए ये टैटू बनवाया है तो बता दें, जेनिफर ने अपने बदन पर हकुनामा टाटा लिखवाया है, जिसका मतलब होता है बेफिकर। ये टैटू जेनिफर पर काफी जचता भी है, क्योंकि वो लाख परेशानियों के बाद भी बेफिकर ही रहती हैं। टीवी शो ये है मोहब्बत में शगुन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने भी अपनी कलाई पर R अक्षर का टैटू बनवा रखा है। ये उनके पति के नाम का पहला अक्षर है, क्योंकि उनके पति का नाम रोहित रेड्डी है। अनीता फिलहाल नागिन शो में अपनी जलवा बिखेर रही है। टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया से फेमस हुई देवोलीना भट्टाचार्य भी काफी खूबसूरत है। सीरियल में गोपी बहू से प्रसिद्ध देवोलीना ने कमर और गर्दन पर एक टैटू बनवाया है। टीवी सीरियल बालिका वधु से छोटे पर्दे पर पहचान बनाने वाली आनंदी उर्फ अविका गौर ने कंधे, गर्दन के पीछे, कलाई और पैर पर 4 टैटू बनवा रखे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं। छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री अदा खान सबसे खूबसूरत अभिनेत्री हैं। नागिन का किरदार निभाने वाली अदा खान ने कलाई पर माँ नाम का एक टैटू बनाया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।